डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना। दशकों ही नहीं सदियों से अगर हम कहें तो लोग पत्र के इंतजार में डाकिये का इंतजार भी करते रहे। समय बदला, पत्र की जगह पार्सल ने ली और आज की तारीख में न सिर्फ खुशी का पयाम, न सिर्फ दर्दनाक, बल्कि आज जब डाकिया आता है तो वो पैगाम लाता है जीवन का। डाक विभाग ने कोरोना काल के संकट को देखते हुए अपने किरदार में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं ताकि दूर दूर गांव में बैठे इंसान को भी दवाइयों की किल्लत कभी ना हो। ये जो गोल्डाखाना परिसर में हमारे तीन चार जो बड़ी कंपनियां हैं वो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन भेज रही हैं। तो ये सारे मेडिसिन्स हैं? नहीं, ये जैसे पतंजलि आरोग्य केंद्र कोलकाता के लिए इन्होंने फेस शील्ड वगैरह भेज रहे हैं, और उधर ये लुपिन जो फार्मा कंपनी है इसने सभी जगह पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स के लिए पीपी किट, फेस मास्क, ग्लव्स वगैरह ये सब भेजे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सारे 4,500 के लगभग फेस मास्क और पीपी किट्स, ये हम 17 तारीख से बुक कर रहे हैं और आज हमारा 600 पार्सल का कंसाइनमेंट है, ये पूरे इंडिया में अब यहाँ से जाएगा। तो मतलब पूरे इंडिया कहीं भी सुदूर दूर दूर तक जा रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कवर कर रहे हैं। और डाक विभाग ने, हमारा निदेशालय ने जो डेडिकेटेड रोड नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है, अभी तक हम लोग जो कार्गो फ्लाइट्स था उसको यूज़ कर रहे थे और हमारा खुद का भी जो व्हीकल्स हैं वो लोग मूव कर रहे थे, बट अभी अब हमने डेडिकेटेड रोड नेटवर्क जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हेडक्वार्टर को कवर कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम 4 से 5 दिन में कहीं पर भी भारतवर्ष में ये जो इसेंशियल आइटम है वो सब उपलब्ध करवाने में सक्षम है। कितने साल हो गए आपको? मुझे 33 साल हो गई। अच्छा। कभी ऐसा हुआ था कि सिर्फ एक ही तरह की चीजों को आप पहुंचा रहे हो हर जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज आती है। हाँ। सब चीज आती है, स्पीड पोस्ट पार्सल सब आता है। लेकिन अब आप लोग दवाइयाँ, पीपी किट्स, चिकित्सा से जुड़ी सारी चीजें, ज्यादातर जो मेडिकल की किट आ रही है आरएमएल में, ज्यादातर उनको मान्यता दी जा रही है, बाकी डाक तो सारी बढ़ रही है लेकिन इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी कि जो एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी वगैरह लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक लड़ाई आप लोग भी सड़कों पर ऐसे लड़ रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, ताकि सबके घर पर पहुंचे। बस ग्लव्स नए लग गए हैं, मास्क पहले नहीं लगाते थे। हाँ जी मैडम, ठीक है। हाँ जी, पहले कुछ नहीं ऐसा होता था। आपको भी कितने साल हो गए? मेरे को 37 हो गए मैडम। 37 साल में कभी ऐसा समय देखा? कभी नहीं देखा जी ऐसा, ये पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ। इस तरह की परेशानी जो झेलने को मिल रही है वाकई में कभी लाइफ में इस तरह का नहीं देखा। इसके बावजूद आप लोग निकल रहे हैं वो दवाइयाँ दूर दूर तक। नौकरी हमारी ऐसी है तो हमें जाना ही पड़ता है, पैकेट भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। स्पीड भी बढ़ रही है, पार्सल भी बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्री भी बढ़ रही है, ऑर्डिनरी डाक भी बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारा आज ही जैसे हमारे साथ शेयर कर रहे थे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वेस्ट बंगाल कि वहाँ के एक पोस्ट मास्टर जिनको अपना काम करना है तो वो 25 किलोमीटर साइकिल चला के अपने ऑफिस में आता है, फिर 25 किलोमीटर साइकिल चला के वापस जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे सभी जगह कर्मचारी को सब जगह ही ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बट फिर भी वो लोग पूरा जुटे हुए हैं और उनके मन में भी बहुत अभी एक ये भावना है कि ये अभी संकट की घड़ी है तो हमें पूरा अपना जितना भी हो सके उसे शायद एक दो कदम और आगे जाके हमें अपनी ड्यूटी करनी है। डाक विभाग के इतने लंबे इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक प्रकार की चीजों को ही पहुंचाने का काम, उसका बीड़ा इस विभाग ने उठा लिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो कर्मचारी हैं दरअसल वो अपनी तरफ से पैसों का योगदान करके उनका लक्ष्य है कि कम से कम 1,00,000 लोगों का पेट भरें। और एक चीज जो हम कर रहे हैं कि एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम लोग लोगों के घर में जाके पैसा देते हैं। अच्छा। तो उसमें जो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं, बैंक बहुत दूर है, या कुछ लोग जैसे मतलब जो डिजेबल्ड है या जो बहुत बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए कोई मतलब जैसे डिजेबल्ड है तो उनको हम घर में जाके उनको बायोमेट्रिक्स में उनका पैसा दे देते हैं। कोई भी बैंक में अगर आपका पैसा हो तो वो पैसा हम लोग उनके घर में लेके दे सकते हैं। एक्चुअली डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
कहते हैं जिसे झुकना आता है वो टूटता नहीं है। समय के साथ बदलाव अगर इस समय की मांग है तो उस मांग को पूरा कर रहा है डाक विभाग। दूर दूर प्रदेशों से, गांव से, कस्बों से अगर दवाइयों की मांग, किट्स की मांग, मेडिकल की आ रही थी तो डाक विभाग ने सोचा कि क्यों ना बाकी सारी चीजों को छोड़कर पहले जो कतार में आखिरी व्यक्ति है वहां तक पैसे पहुंचाने हों या फिर इस तरह के सामान सुदूर इलाकों में पहुंचाने हों, सिर्फ वही काम कोरोना के काल में किया जाए।